उस पर सीबीआई इंक्वायरी होती है, दबाव लगाया जाता है, धमकाया जाता है और जादू से कुछ ही दिन बाद वो एयरपोर्ट अदानी जी के हवाले कर देता है, सब इंक्वायरी बंद हो जाती है, सीबीआई शांत हो जाती है, अदानी जी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट चलाते हैं। और ये सिर्फ एयरपोर्ट के साथ नहीं हुआ है, ये पोर्ट्स के साथ हुआ है, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स इनके हाथ में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हुआ है, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, फायदा उन्हीं को जाता है, खदान उनकी, कोयला उनका, सोलर पावर उनका, विंड पावर उनका, बिजली उनकी, सारा का सारा अदानी जी के लिए, और 5-10 और होंगे। इससे हुआ क्या कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं, 22, सिर्फ 22, जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास। मतलब देखिए, 22 लोग पहली लाइन में, 22 लोग बैठे हैं, आप सोचिए इतने लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 50% आबादी के हाथ में है। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी कभी धर्म की बात करेंगे, कभी गरीबों की बात करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम कहेंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, और लक्ष्य एक ही है कि आपका जो धन है आपको पता भी नहीं लगता, जो आप जीएसटी में देते हो, आप शर्ट खरीदते हो टैक्स लग जाता है, पेट्रोल खरीदते हो टैक्स लग जाता है, जूते खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, जो भी आप खरीदते हो उसमें टैक्स लग जाता है, और आप उतना ही टैक्स देते हो जितना गौतम अदानी देता है। अगर आपने शर्ट खरीदी, 500 रुपए की शर्ट खरीदी, आप भी 18% दोगे, अदानी भी 18% देगा, और आपकी आमदनी हजारों में, उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में, टैक्स एक ही देते हो। 24 घंटा मीडिया प्रधानमंत्री का चेहरा टीवी पे दिखाता है। मैं कन्याकुमारी